नमस्कार, आप देख रहे हैं सियोला 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं सीहोर जिले की प्रमुख खबरों की। सीहोर शहर के लुनिया मोहल्ला चौराहे स्थित यशराज गार्डन में रविवार को कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। फूलों और इत्र की होली के मध्य हजारों श्रद्धालुओं ने राधा नाम कीर्तन के मध्य आनंद के रस में डूबे हुए थे। शहर के इतिहास में दूसरी बार देश सहित प्रदेश के कोने कोने से करीब 1500 से अधिक लड्डू गोपाल गोट में हजारों श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे थे। रविवार को आयोजित बट्टल सेवा समिति के तत्वावधान में दूसरी बार यह दिव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद सहित प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में भक्तों ने अपने लड्डू गोपाल को पूरी आस्था और उत्साह के साथ लाए और भागवत पुष्पण पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विगत वर्ष बट्टल सेवा समिति के तत्वावधान में भागवत कृष्ण पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में ठाकुर ठाकुरानी गोट का आयोजन शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के समीप स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसमें देश और प्रदेश के अन्य हिस्सों से 365 से अधिक ठाकुर और ठाकुरानी आयोजन में पहुंचे थे। इस मौके पर ग्वालियर के मदन मोहन नागौरी अपनी स्कूटी से ठाकुर जी के साथ आयोजन में शामिल हुए और फूलों की होली के मध्य ठाकुर ठाकुरानी और श्रद्धालुओं आनंद के रस में डूबे हुए दिखे। जिले के कोसमी स्टेट हाईवे की हालत खस्ताहाल है। सड़क में जगह जगह गड्ढे होने और डामर उखड़ने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी वाहन चालकों से टोल टैक्स पूरा वसूला जा रहा है। इससे टैक्स दाताओं में रोष पनप रहा है। आए दिन टैक्स दाताओं और टोल कर्मचारियों की स्थिति विवाद की बनती रहती है। टैक्स देने वाले वाहन चालकों का कहना है कि टोल बने सालों गुजर गए, इसके बावजूद हाईवे किनारे पौधे नहीं लगाए गए। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय हाईवे की हालत काफी खस्ता हाल हो चुकी है। कई जगह गड्ढे होने के साथ ही रोड पर गिट्टी बिखरी पड़ी है। हाईवे पर यातायात का दबाव अधिक है। ऐसे में रोड की बदहाल स्थिति के कारण दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही सीहोर इछावर के बीच भी सड़क कई जगह से उखड़ चुकी है, जबकि इस बीच कोनाजिर के समीपस्थ टोल नाका स्थित है, लेकिन टोल टैक्स वसूलने वाला ठेकेदार रोड की बदहाल स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वाहन चालकों को सेवा शुल्क देने के बाद भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार नरसुल्लगंज के बीच भी सड़क की हालत खराब है। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं टोल मैनेजर हूं। ये जो गड्ढे हुए हैं इसके लिए मरम्मत का भी काम किया जा रहा है अभी, और उसके लिए वर्क आर्डर दिया हुआ है मधुर विजय वर्गीय जी को, जिसके लिए बैंक गारंटी उन्होंने अभी बना के दिया था। बैंक गारंटी मिस्टेक होने के कारण उनको अभी वापस किया है। अभी ये दोबारा देंगे, जिसको हम बैंक को देंगे, जो हमारा लोन वाला बैंक है, उस बैंक को देने के बाद वो पेमेंट देगा ठेकेदार को कि काम वर्क चल। लगभग कितना टाइम पीरियड रहता है इसका? किसका? जैसे जो पेच वर्किंग रहती है, पेच वर्किंग तो हम बराबर कर रहे हैं, तो हमारे आदमी अभी भी लगे हुए हैं। नहीं, हमें तो यहाँ से मतलब पूरे रोड में जाके देख लीजिए, गाड़ी हमारी गई हुई है। नहीं, केवल धूल से मिट्टी से भरा जा रहा है। हम लोग डब्ल्यूएमएम भर रहे हैं, धूल मिट्टी नहीं है वो, डब्ल्यूएमएम मटेरियल है वो। डब्ल्यूएमएम मटेरियल हम परचेज करते हैं, ये टेम्परेरी काम करने के लिए, जब तक वो हमारा डामर काम नहीं चालू होता है। जैसे डामर का हमारा हो जाएगा, वो हम उसको खोदेंगे चौकोर में, चौकोर काट करके फिर उसको रिपेयर करेंगे। जो निशान गड्ढों के आसपास नजर आ रहे हैं, हमने काफी टाइम से लगे हैं, हमने लगाए लेकिन इतना डिले हो रहा है। बढ़िए डिले हो रहा है, इसका वजह बैंक से पेमेंट का है। इसमें जिम्मेदार बैंक, जब तक बैंक पैसा नहीं देगा अपने घर से तो हम करेंगे नहीं। तो जो टैक्स का जो पैसा आ रहा है वो टैक्स का भी रुका हुआ हमारा, जो हमारी एक एनओटी होल्ड करके रखी हुई है इसी के लिए। सीहोर जिले के ग्राम लाड़कुई में भगोरिया पर्व साप्ताहिक हाट के रूप में आदिवासी समुदाय ने मनाया। इसमें बरेला समाज की महिला एवं पुरुष व बच्चे अपनी पारंपरिक व सामाजिक वेशभूषा में सज धज कर बाजार पहुंचे। भगोरिया पर्व बरेला समाज के लोगों ने ढोल धमाके व रंग गुलाल के साथ धूमधाम से मनाया। आदिवासियों ने ढोल और मांदाल की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व की धूम मची हुई है।
पिछले एक सप्ताह से जारी यह पर्व अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आखिरी दिनों में लोगों का उत्साह भी चरम पर दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि क्षेत्र में होली से एक सप्ताह पूर्व के साप्ताहिक हाट को भगोरिया पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें आदिवासी बरेला समाज के लोग अपने अपने घर से पारंपरिक व सामाजिक वेशभूषा धारण कर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए ढोल व मांदल की थाप पर नृत्य करते हुए निकलते हैं। आदिवासियों के लिए यह पर्व किसी अन्य त्योहार से कम नहीं है। इसमें इन लोगों का उत्साह चरम पर देखा जा सकता है। क्षेत्र के भगोरिया हाट की साप्ताहिक हाट से हुई, जिसमें लाड़कोई क्षेत्र के आसपास के लगभग 40 से 50 गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं आदिवासियों के इस त्यौहार में पुलिस बल भी अपना पूर्ण सहयोग देता है। सुबह से ही पुलिस बल यहां पर मुस्तैदी से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना एवं दुकानदारों के साथ कोई भी समस्या का निदान करने के लिए डटे रहते हैं। नरसुल्लागंज से सीहोर लाइव 24 के लिए रमाकांत मंसूरिया के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में भी इतना ही, आप बने रहिए सीओ.com।